जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हाउ डज अ मास स्पेक्ट्रोग्राफ शो द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। जी बच्चों, मास स्पेक्ट्रोग्राफ किस तरह एक एलिमेंट के आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस को क्या करता है, शो करता है। जी बच्चों, मास स्पेक्ट्रोग्राफ जो है, इट शो द रिलेटिव अबंडेंस इन द फॉर्म ऑफ मास स्पेक्ट्रम। ये किस शक्ल में जाहिर करता है? मास स्पेक्ट्रम की शक्ल में। और जो मास स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो हाइट ऑफ द पीक्स होती हैं, दैट टेल्स अस द रिलेटिव अबंडेंस। ठीक है बच्चों, और जो नंबर ऑफ पीक्स होती हैं, दैट टेल्स अस टोटल नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। और जो पोजीशन ऑफ पीक्स होती है, दैट टेल्स अस मास नंबर ऑफ आइसोटॉप। लेट्स सी हियर, मेरे पास जो है एक मास स्पेक्ट्रम है जी, किसका? नियॉन का। लेट्स सी हियर, दिस इज द मास स्पेक्ट्रम ऑफ नियॉन। ये रिलेटिव अबंडेंस है 10%, 20 है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 20 हो, 100 हो गया। ये आगे रिलेटिव अबंडेंस। ठीक है बच्चों, और आपको पता होगा कि नियॉन के मास स्पेक्ट्रम में हमारे पास तीन पीक्स आती हैं, एक 90.92% पे, और एक आती है हमारे पास 0.257% पर, और एक आती है हमारे पास 8.82% पर। इसका मास 20 होता है, इसका 21 होता है, इसका 22। तो इस सवाल का जवाब, हाउ डज अ मास स्पेक्ट्रोग्राफ शो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ को अगर हम डिवाइस कंसीडर करें, तो इट शो द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स इन द फॉर्म ऑफ मास स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल, ये मैंने नियॉन का मास स्पेक्ट्रम ड्रा किया। इन दिस मास स्पेक्ट्रम, हाइट ऑफ द पीक टेल अस द रिलेटिव अबंडेंस, नंबर ऑफ पीक्स टेल्स अस टोटल नंबर ऑफ आइसोटॉप, और पोजिशन ऑफ पीक्स टेल्स अस द मास नंबर। बेटा ये पीक है, जितनी ज़्यादा है तो ये ज़ाहर वाई एक्सिस पे वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, जिसका मतलब रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा, और इसकी हाइट जितनी कम है तो वाई एक्सिस पर वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, तो रिलेटिव अबंडेंस क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, और बेटा ये वैल्यू, ये सारी क्या है? मास नंबर। ठीक है, इसमें ये जो टोटल पीक्स कितनी है, इसमें 1, 2 और 3, तो नहीं, उनके आइसोटोप कितने होते हैं? 3। इनकी पोजिशन क्या है, ये हमें क्या बता रही है? मास नंबर। ठीक है, दोबारा सुनिएगा, हाइट ऑफ द पीक्स हमें क्या बता रही है? रिलेटिव अबंडेंस। और इस मास स्पेक्ट्रम में जो पोजीशन ऑफ द पीक्स है हमें क्या बता रही है? मास नंबर। और नंबर ऑफ पीक्स हमें क्या बता रही हैं? टोटल नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। बड़े नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ टू स्ट्रॉन्ग पीक्स इन द मास स्पेक्ट्रम फॉर द ब्रोमीन, वाइल फॉर आयोडीन ओनली वन पीक एट 127 AMU इज इंडिकेटेड। ठीक है, अब उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, अगेन एक मास स्पेक्ट्रम लेते हैं। जी बच्चों, उसने क्या बोला है कि ब्रोमीन के मास स्पेक्ट्रम की अगर बात करें, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ टू स्ट्रॉन्ग पीक्स इन द मास स्पेक्ट्रम फॉर द ब्रोमीन। बेटे, टू स्ट्रॉन्ग पीक्स इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ द ब्रोमीन शो दैट ब्रोमीन हैज टू आइसोटोप्स। Bromine has two isotopes with the relative abundance 50.4% and 49.46. इसमें से एक bromine के atom का mass क्या होता है? 79, और एक का क्या होता है? 81. Two strong peaks in the mass spectrum of the bromines show that bromine has two isotopes with relative abundance 50.4% for the bromine atom having mass 79. And with the relative abundance 49.46% for the isotope having mass 81. अच्छा, दूसरी बात उसने की है कि while only one peak at 127 AMU is indicated, iodine के लिए सिर्फ एक ही peak है। अब iodine के लिए एक ही peak होने का मतलब क्या है? कि iodine is monoisotopic, 100% क्या होगा? iodine 127 AMU पे अकेला होगा। So iodine, one strong peak for the iodine show that iodine has only one isotope. Thank you very much, bachcho. Inshallah, next further exercise करेंगे हम अगले lecture के अंदर। शुक्रिया।